हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इट्स फॉर यू। आज हम बनाएंगे एक इजी एंड यमी वाला कढ़ी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 600 ml ले रही हूँ छाछ। आप चाहे तो दही से भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक बर्तन में ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून बेसन, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा ग्लास पानी। अभी मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी लम्ब फ्री करके। बेसन ऐड करने से हमारा कढ़ी अच्छे से ठीक और टेस्टी बनेगा। अभी मैं बेसन को ये छाछ में ऐड करके इसे अच्छे से मिला रही हूँ। बेसन और छाछ को एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर ऐड कर लूँगी हमारा छाछ। इसके अंदर मैं अभी ऐड कर रही हूँ टेस्टी से नमक और आधा टी स्पून हल्दी पाउडर। अभी मैं इन सब को अच्छे से मिला लूँगी और ऐसे ही ऐसे चलाते रहूँगी जब तक हमारा जो छाछ है वो अच्छे से ठीक होना हो जाए। तब तक ऐसे ऐसे चलाते रहूँगी। यहाँ पे हमारा जो छाछ है वो ठीक हो चुका है जितना हमें चाहिए। अभी हम इसके लिए पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ बेसन। इसके अंदर एक बड़ा साइज कटे हुए प्याज ऐड करी हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और ऐड करें थोड़ा सा जीरा, और पानी डाल के इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खाने वाले सोडा। सोडा की वजह से पकौड़े जो है अच्छे से फूलता है और उसके जो सॉफ्टनेस भी अच्छा आता है, इसलिए मैं छोड़ा कर रही हूँ। अभी हम पकोड़े को डीप फ्राई कर लेंगे। कढ़ी तो सबने बनाते हैं घर में। हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार कढ़ी बनता है, और कोई सब्जी डाल के बनाते हैं, पकोड़े डाल के बनाते हैं। मुझे पर्सनली मुझे ये पकोड़े वाला कढ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। चावल के साथ ये पकौड़े वाला कढ़ी का टेस्ट कुछ अलग सा है। आपको कौन से वाले कढ़ी पसंद है मुझे कमेंट करना। आप किस तरह का रेसिपी देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करना। हमारा पकौड़ा अच्छे से तल चुका है। अभी मैं इसे ऐड कर लूँगी कढ़ी के अंदर। एक बार इसे मिला लेंगे और करेंगे गैस को अप। अभी देखिए इसका जो थिकनेस है वो ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाए। अभी मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से ये ज़्यादा टेस्ट लगता है। और इसके अंदर 2 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डाल रही हूँ राई, और आधा टी स्पून डाल रही हूँ जीरा। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 7 से 8 कलियाँ लहसुन को कूट के, और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही चटकता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में ऐड करती हूँ। अभी हम इसे सही फ्राई करेंगे, और कुछ टाइम के बाद हम गैस को करेंगे अप। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हींग। बस इन सबको एक बार मिला लूँगी और इसे कड़ी में ऐड कर दूँगी। साथ ये तड़का को एक बार मिला के इसे कुछ टाइम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। पहले मैं पकोड़े को निकाल रही हूँ क्योंकि पकोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इसे अभी मैं गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर लूँगी। ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।